30 सितंबर रूमी की पैदाइश का दिन है। 1207 में ये बल्ख में पैदा हुए थे और जब से वो पैदा हुए तब से उन्होंने माहौल में एक तजाद तनाव देखते आए हैं। अब आज ये सवाल उठता है कि रूमी की ज़माने को क्यों ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है। रूमी अपने तर्जुमों से अमेरिका के सबसे बड़े फास्टेस्ट बिगेस्ट सेलिंग पोइट हैं इंग्लिश में, और उनकी शायरी में जो एक ख़ास कैफियत आपको मिलती है वो एक इश्क की कैफियत होती है, समर्पण की, मोहब्बत की कैफियत होती है, जो इंसान के वजूद में और इंसानियत में डूब के ही निकल के आ सकती है। तो रूमी ने अपने वक्त में शम्स तबरेज़ की सोहबत में एक ऐसी दुनिया देखी जो एक तरीके से छिपी हुई दुनिया, एक दुनिया जो कल्ब की दुनिया होती है, एक दुनिया जो मोहब्बत की दुनिया होती है, दुनिया जो हमारे होली प्रॉफिट ने डिस्कवर करके मंजर-ए-आम पे पेश की। तो वो दुनिया जो है वो इश्क की दुनिया थी, मोहब्बत की दुनिया थी, और उससे जो शायरी निकल के आई है वो बहुत ही नायाब और गुदाज शायरी है। आज ज़माने को पुल की ज़रूरत है, मुख्तलिफ माशरों को जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे पुल चाहिए जो आपस के जो तजाद हैं उनको, उनसे आदमी गुज़र के एक जहती के माहौल में दाखिल हो। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जो रूमी की शायरी से निकल के आती है और आज के वक्त की ज़रूरत है। कैसे हम इंसान को इंसान से जोड़ें, दुनिया में तमाम ममालिक के बीच में जो हदें हैं इंसान की बनाई हुई, आदमी की बनाई हुई, उनको ख़त्म करें और लोगों को लगे कि ये एक ज़माना है, एक दुनिया है, एक खालिक की सब मखलूक है। तो ये चीज़ जब तक के आप रूमी की शायरी को गहराई से ना पढ़ें, लुत्फ़ ले के ना पढ़ें, मज़ा ले के ना पढ़ें, यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं। हर नफस आवाज इश्क मीर सदस चपोरास्त, माँ बफलक मीर अवेम अज़म तमाशा करास्त। हर नफस हर लम्हा इश्क की आवाज़ कभी दाएं से कभी बाएं से आ रही, मैं फलक की तरफ परवाज़ कर रहा हूँ, तुम चलो भी मेरे साथ।